आज हम बनाएंगे बालूशाही। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए हमने लिए हैं 2 कप मैदा और 1.5 कप हमने शुगर लिए हैं। इसमें से हम 3 टेबल स्पून घी लेंगे और 3 टेबल स्पून हम दही लेंगे, वो भी ठंडा, और दूध लेंगे हम 2 टेबल स्पून इसमें गूंदने के लिए। आप पानी भी ठंडा ले सकते हैं। और हम लेंगे हाफ से भी कम, ये छोटी वाली चम्मच है, ये हम बेकिंग सोडा लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम इसमें घी शामिल करेंगे। इसको हाथों से हम अच्छी तरह इसको मलेंगे। अब इसमें हम दही को ऐड करेंगे। अब इसको हल्की हाथों से हम गूंदेंगे। अब इसमें हम दूध डाल के गूंदेंगे इसको। अब ये इसका डो रेडी हो गया है। इसको मतलब रफली इसको मलना है, इसको हाथ से एकदम चिकना नहीं करना है, हल्के हाथों से ही मलना है। अब इसको हम कवर करके रखेंगे जब तक हम चाशनी बनाएंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। हमने 1.5 कप शुगर लिए है, अब उसका आधा हम पानी लेंगे। ये इस तरह से हाथों में चिपकने लगी है, मतलब चाशनी रेडी है। अभी हम गैस ऑफ करेंगे। अब चाशनी हो गई है, अभी इसको हम बनाएंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इसको इस तरह हाथों में लेके इसको प्रेस करके, बस ये इसी तरह रहना चाहिए। ये फटाफटा जैसा दिख रहा है इसी तरह रहेगा ये। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। ये हो गया रेडी। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अब ऑयल हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते जाएंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसको हल्के हाथ से हम पलटेंगे। इसको हमने दूसरी तरफ से इसको पलटा के रखे। इसी तरह हम थोड़ी देर से वापस दूसरी तरफ से पलटाएंगे। अभी फिर हम इसको दूसरी साइड से पलटी करेंगे। ऐसे ही हम पलटाते रहेंगे एक दो साइड से और फिर इसको हम निकालेंगे। अभी इसको हम निकालेंगे, ये अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। अब ये बाकी के भी हम सारे इसमें इसी तरह फ्राई करेंगे। अब ये हो गया रेडी। अभी इसको हम चाशनी में डिप करेंगे और इसको प्लेट में निकालेंगे, ये इस तरह से चाशनी के अंदर। अभी इसका चाशनी इसके अंदर अच्छी तरह जाए। हम इसको एक एक करके हम निकालते जाएंगे। ये हमारी भालूशाही हो गई रेडी।
हमने चाशनी में भी इसको डिप करके निकाल लिए। एक मिनट के लिए हमने चाशनी के अंदर इसी रखे थे ताकि अंदर तक उसकी चाशनी जा सके। और अभी हम गार्निशिंग करेंगे। बहुत अच्छी लगती है खाने में मिठाई। इसको बना के दो चार दिन के लिए भी रख सकते बाहर। इसको कोई गेस्ट आने वाला है तो आप इसको पहले से बना के रेडी करके रख सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। आप भी ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।